राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जैसे कि हमारे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया हुआ था कि वो मायके में पूजा पाठ अच्छे से करती थी, लेकिन अब ससुराल में उन्हें अधिक पूजा पाठ करने नहीं दिया जा रहा है। बोला जा रहा है कि अब आप घर संभालो, अपना घर पे ध्यान दो, अधिक पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि वो नाम जप भी नहीं कर पा रहे हैं। तो यकीनन ऐसी स्थिति में बहुत बहुत ज़्यादा दुख होता है। कि देखिए, पहले के ज़माने में लोग बुरी आदतों के लिए टोका करते थे, अब अच्छा काम शुभ कार्य के लिए भी टोकने लगे हैं। उन्हें कहीं पूजा पाठ शुभ कार्यों से परिवार का भी तो भला होता है कि घर में नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आती हैं और आदि के बेटों की आयु लंबी होगी या फिर जो है घर में बाल बच्चों की बुद्धि शुद्ध होती है, शांति बनी रहती है, लक्ष्मी आती है, फिर भी जो है लोग अच्छा शुभ कार्य नहीं करने दे रहे हैं, तो बहुत बहुत ज़्यादा दुख होता है। लेकिन इससे हमारी भक्ति भी बढ़ती है। जी हाँ, अगर ज़्यादा रोक टोक हमें पूजा पाठ के लिए की जा रही है तो हमारी भक्ति भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हर भक्त यही चाहता है कि वो करुण हृदय से, बहुत ज़्यादा मतलब एकदम करुण भरी पुकार से भगवान को बुलाए, ताकि जो है भगवान का साक्षात्कार हमें प्राप्त हो। अगर हम शास्त्रों और ग्रंथों से समझें तो कुंती जी कहती हैं कि भगवान हमें हमेशा दुख ही प्रदान करो, मैं चाहती हूँ कि आप दुख ही प्रदान करो, क्योंकि आप दुख में हमारे साथ रहते हैं और सुख में जो है, जैसे कि युधिष्ठिर जी ने राज सिंहासन पर मतलब अपना मुकुट संभाला, वैसे ही आप पीठ दिखाकर जा रहे हो। तो ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए, ऐसी खुशी हमें नहीं चाहिए जिसमें आप हमारे साथ ना रहो। और जब हम दुखी थे तो आप मतलब अपना पीताम्बर लहराते हुए मतलब हमारे पास आ रहे थे, तो हम चाहते हैं कि हमेशा आप हमारे पास रहो और हमें दुखी दो। दुखी अच्छा है, अगर आप जाने वाले हो तो फिर दुखी अच्छा है, क्योंकि तब तो आप आ रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं जब परिवार वाले रोक टोक करते हैं तो मन में ये आता है कि हे भगवान, अब तो मेरा कोई नहीं है, मतलब मैं अपनी खुशी का कोई भी काम नहीं करना चाहती, अब तो सुन लो, अब तो दर्शन दो, या फिर जो भी आप भगवान से चाहते हैं वो हमारी इच्छा पूरी करो भगवान। मतलब एक दुख भरी पुकार जो होती है ना, तो वो पुकार भगवान जल्दी सुन लेते हैं एक तरह से कहें तो, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि देखिए, आप देखिए, पूजा पाठ करने वाला कभी भी घर में नकारात्मकता नहीं लाता है। अगर आप अच्छे स्वभाव वाले रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये रहेगा परिवार वालों के मन में कि ये पूजा पाठ वाली है या फिर ज़्यादा धार्मिक स्वभाव की, तो देखो कितनी अच्छी है कि मतलब हमारी मनमर्जी का काम, ये गुस्सा शांत रखती है, घर को अच्छा, घर में अच्छा वातावरण बनाए रखती है। और अगर आप कलह करने लगेंगे पूजा पाठ के नाम पे, तो कहेंगे कि ऐसी पूजा किस काम की, मतलब जिसके कान से लड़ाई हो रही है या फिर जिसके कान से, देखिए अगर घर के काम का नुकसान हो रहा है कि आप ज़्यादा टाइम तक बैठे हैं, तो किसी का आपने टिफिन बना के नहीं दिया, किसी को टाइम से चाय नहीं दी, या फिर कुछ आपने नहीं किया, तो इससे जो है लोग नाराज़ ही होंगे कि ऐसी पूजा पाठ किस काम की, कि घर के बड़े बुजुर्गों को सही टाइम पे सही चीज़ें नहीं मिल रही हैं, या फिर पति ही भूखे जा रहे हैं, फिर कुछ भी नुकसान हो रहा है। तो फिर क्योंकि हर एक जीव में भगवान का अंश होता है, पति में भी, पत्नी में भी, और सास ससुर में भी भगवान का तत्व। देखिए ना, जो आत्मा होती है वो भगवान का ही अंश, क्योंकि चलते फिरते भगवान ही है। हम पत्थर में भगवान की अगर मतलब मान लेते हैं कि पत्थर में भगवान है, तो ये तो चलते फिरते भगवान का अंश, सभी हर एक चींटी तक में भगवान का अंश होता है। उस अंश को मानकर उनकी सेवा कीजिए कि हम परम तत्व की जो है सेवा कर रहे हैं, सास ससुर के रूप में, ठीक है, या फिर पति के रूप में, तो उनकी सेवा जब आप करेंगे तो ये मानिए कि भगवान की सेवा कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात क्या करनी है कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, लोग ये तो बिल्कुल नहीं जान पाएंगे। आप मन में नाम जप चलाइए ना, मुख में अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुंह से नाम जप नहीं करने दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है अभ्यास। अगर कोई भी चीज़ का करा जाए ना, तो आप मन में नाम जप करने का अभ्यास करिए। आपके मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जान पाएगा, ठीक है। और अभ्यास के लिए ना, क्योंकि अगर आपने आज मन का अभ्यास कर लिया ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपसे भक्ति नहीं छीन सकती। देखिए, ये शरीर भी जो है एक दिन जाने वाला होता है। अगर हम हाथ से माला जब करते हैं, कई लोगों को लकवा मार देता है, हाथ से माला ही नहीं पकड़ पाते हैं, बोल ही नहीं पाते हैं मुंह से, मतलब हर एक चीज़ अस्थायी है। माला भी मतलब कभी किसी की टूट जाती है, कभी माला भूल गए, कभी कुछ है। तो अगर हम मन में नाम जब करेंगे, मन तो हमेशा ही हमारे साथ रहेगा, ठीक है। तो हम चाहे किसी के शादी में गए हों या फिर किसी के दुख में गए हों, हम वहाँ भी नाम जब कर पाएंगे, ठीक है। और ऊपर से शरीर से हमें यही दिखाना है, नाटक हमें अच्छा करना है, नौटंकी। अगर हम घर गृहस्थी में हैं तो उसी तरह के व्यवहार का हमें नाटक जरूर अच्छे से करना चाहिए, ठीक है ना। कि मतलब हमें अगर पत्नी का दर्जा दिया गया, बहन का दर्जा दिया गया, तो वो हम अच्छी प्रकार से उसका नाटक करें। मन में क्या है, भगवान की भक्ति, लेकिन ऊपर से जिसका जो कर्तव्य है, जो व्यवहार, वहाँ पर हम वैसा ही करें, पति की वैसे ही उनको खुश रखें। चाहे वह मतलब जैसे बोला गया है कि वो अच्छी मित्र होती है, अच्छी मंत्री होती है सलाह देने के लिए, और जो है, और रात के समय जो है वो अप्सराओं की तरह होनी चाहिए एक पति को करने के लिए, और जो है भोजन परोसते समय वो माँ की तरह होनी चाहिए। तो आपको उसी तरह से ऊपर से नाटक करना है, पूरा खुश करने, मतलब जैसे कि आप मतलब आज के ही मॉडर्न लाइफ स्टाइल की हैं, लेकिन अंदर से जो है हृदय आपको भगवान को दे देना है। और ये करुण पुकार जो है, और ये अभ्यास बस करना है कि आप हर स्थिति में मतलब कैसे नाम जप कर सकते हैं। आप बात करते समय भी जो है नाम जप करने का अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि तो आप ऊपर से जो है दिखावा यही करें कि आप बिल्कुल मॉडर्न लाइफ स्टाइल के हैं, और अंदर से जो है आपको नाम जप करने का अभ्यास करना है। चाहे आप खाना बना रहे हो, झाड़ू पोछा
प्रवर्तन कर रहे हो, समाज में बैठे हो, कुछ भी है, लेकिन नाम जप, राधा 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 कृष्ण, जो भी आपको नाम प्रिय लगता हो वो आप नाम जप करें। और 2-4 मिनट भी अगर मिलता है, वैसे तो अगर आप सुबह उठ के कर सकते हैं जब किसी का काम का नुकसान ना हो, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से 5 बजे ऐसे, या फिर जब भी जिसका किसी का नुकसान ना हो तब करें, जो भी टाइम अगर आपको मिले उसमें आप भगवान से प्रार्थना ये करिए कि भगवान मतलब मैं क्या आपके विग्रहों की सेवा भी नहीं कर सकती, जैसे लड्डू गोपाल को आप स्नान ध्यान कराना चाहते हैं, उन्हें भोग अर्पित करना चाहते हैं, तो आप उनसे करोर पुकार करिए, मतलब रो, मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि भक्तों को ना भगवान के प्रति रोने में ही ज़्यादा जो है उन्हें सुख महसूस होता है, ठीक है। और अगर परिवार एक तरफ कष्ट दे रहा है, यानी कि पूजा पाठ नहीं करने दे रहा, दूसरी तरफ जो है केवल अपने काम में लगाए हुए, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है फिर कि भगवान से मिलने तक नहीं दे रहे, तो हम भगवान की तरफ भागते हैं, ठीक है, तो और ज़्यादा भक्ति गाढ़ होती है। तो करुण पुकार से भगवान को बुलाना है, और इस प्रकार से नाम जप करते हुए यकीनन एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप अच्छे प्रकार से भगवान के विग्रहों की भी सेवा कर पाएंगे, उन्हें स्नान ध्यान भोग इत्यादि भी लगा पाएंगे, ठीक है। अभी तक फिलहाल आपको क्या करना है कि अगर आपको मंदिर में भोग इत्यादि अर्पित नहीं करने दिया जा रहा है, तो आपके पास जो थाली आती है, ठीक है, ये कहेंगे भगवान मेरे पास जो आ रहा है मैं तो आपको वही अर्पित कर सकती हूँ, मेरी जो परिस्थिति मैं तो आपको वही अर्पित कर सकती हूँ। तो आपके पास जो थाली आए, चाहे वो जिस टाइम भी आए, सबने खा लिया, कोई मतलब नहीं है, आपके पास जो थाली आ रही है वो फ्रेश अच्छी थाली आप अपने लिए लगाएं और फिर उसे भगवान को अर्पित करें कि हे प्रभु आप भी खाइएगा, आप खाइए, ठीक है। और उस थाली में अगर कोई नहीं देख रहा तो जल फेर सकते हैं, या फिर आपने ऐसी थाली में हाथ लगाया इस प्रकार से, हे प्रभु आपको, आप भी भोजन करिए, ऐसा आप कह के और भोजन करें, ठीक है। तो ये आपने अपनी थाली भगवान को भोजन अर्पित कर दी। इस तरह से जब भी आप कहीं जाएं तो भगवान का भी भाव करें। आप वस्त्र लेके आए हैं तो हे प्रभु ये आपके ऊपर कैसी लगेगी, साड़ी राधा रानी के ऊपर, या फिर कुछ भी, मतलब हर चीज़ में भगवान का भाव किया जा सकता है, ठीक है। बस सीखना है कि भक्ति कैसे करनी है, ऊपर से लोगों का दिखावा करके कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, और अंदर से कैसे हम भगवान से जुड़ रहे हैं। तो मन कौन आपका छीन सकता है, मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जान सकता, कोई एक्सरे, कोई सोनोग्राफी या आज तक कोई नहीं जान पाया है। तो इसलिए जो है जिस चीज़ के लिए भी परिवार रोक टोक रहा है कि पूजा नहीं करना, ये नहीं करना, तो सब बंद कर दो, और उनसे कहो कि आपके लिए मैंने ये बंद कर दिया, आपके लिए मैंने ये बंद कर दिया। धीरे धीरे साल दो साल ऐसा वक्त आएगा, यकीन मानिए आएगा, कि वो खुद भी चालू करवा देंगे कि आप करो अपना पूजा पाठ, सब कुछ करो। क्योंकि अगर एक भक्त इतना अच्छा होता है कि मतलब वो सेवा करने वाला, ना गुस्सा करने वाला, घर को अच्छा संभालने वाला, तो ज़रूर और भी ज़्यादा पूजा पाठ करनी चाहिए, उसकी वजह से घर भी अच्छा रहेगा। तो ज़रूर करने देंगे। इस विश्वास के साथ आपको नाम जप करने का अभ्यास करना चाहिए। इसे एक और खास चीज़ है कि अगर कोई नहीं देख रहा, कई बार रसोई में हम अकेले होते हैं, सासू माँ अगल बगल नहीं होती, तब आप जो है मुंह से नाम जप करें। बर्तन धोते समय कोई नहीं देखता, कपड़े धोते समय कोई नहीं देखता, तब आप जो है वाचिक मुंह से नाम जप कर सकते हैं। देखिए ओठ हिलाने की भी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना, मतलब सिर्फ जीभ से आप नाम जप करने का अभ्यास करें, मतलब ओठ उसमें बहुत कम हिलते हैं, मतलब सामने वाले को ये तो लगता है कि कोई कुछ बुदबुदा रहा है, लेकिन उसे सुनाई नहीं देता, उसे समझ में नहीं आता कि क्या है, ठीक है। इस तरह से जब कोई आसपास ना होता, मुख से करने का, क्योंकि मुख से करने की अपनी जो है महत्वता होती है, मुंह से करने से अभ्यास अच्छा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मन चंचल है, क्योंकि मन बहुत चंचल है, एक मिनट के अंदर यहाँ पे है और कलकत्ता भी घूम के चला आता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा चंचल है, इसलिए जो है मुख से भी नाम जप करने का अभ्यास करना चाहिए अगर कोई आसपास नहीं है तो। इसी तरह से मैं हर पूजा पाठ धर्म रिश्ते में सामंजस्य को लेकर के वीडियो देती रहती हूँ, तो एक बार चैनल पर जरूर आइएगा, देखिएगा उन सभी वीडियोज़ को, और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।